आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तरफ से इंटर जोनल फुटबॉल का आयोजन किया गया है। शुक्रवार से पुलिस लाइन मैदान में इंटर जोनल फुटबॉल का शुभारंभ हुआ। पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने इंटर जोनल फुटबॉल का उद्घाटन किया। बताया जाता है कि इंटर जोनल फुटबॉल चैंपियनशिप में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की 6 टीमें भाग ले रही हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आगामी 1 सितंबर को खेला जाएगा। इंटर जोनल फुटबॉल चैंपियनशिप को लेकर पुलिस कर्मियों में काफी उत्साह देखने को मिला। पुलिस कमिश्नर समेत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों का उत्साह बढ़ाया। पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि इंटर जोनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पुलिस कर्मियों में खेल भावना को जागृत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए खेल कूद जरूरी है। पुलिस पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है और इसके लिए पुलिस जवानों का फिट रहना जरूरी है। का ADPC इंटर जोनल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है फुटबॉल का। बेसिकली पुलिस फोर्स के अंदर जो खेल है उसकी भावनाओं को हमारे जो जवान हैं वो स्वस्थ रहें, जवान ऑफिसर, उसके लिए हम लोगों ने इंटर जोनल कॉम्पिटिशन स्टार्ट करवाया है। इसका फाइनल 1 सितंबर को होगा, जो हम लोगों का कमिश्नरेट डे है। हाँ, उसके उपलक्ष्य में हमने आज से स्टार्ट करवाया है। 6 टीमें हैं हम लोगों की पूरे कमिश्नरेट में। उसके बाद में जो फाइनल होगा वो हम लोग 1 तारीख को करवाएंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज शहर के बीच बनकर तैयार है अत्याधुनिक आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण दामोदर रेसिडेंशियल कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। दामोदर रेसिडेंसी के 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिलेगी हर तरह की जरूरी सुविधाएं। सुरक्षित और खुले वातावरण के इस रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगी 1207 स्क्वायर फीट से लेकर 1639 स्क्वायर फीट के 3 BHK फ्लैट्स। इसके साथ आपको मिलेगी डबल लिफ्ट, पार्किंग स्पेस, स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम और कम्युनिटी हॉल की सुविधा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280, 9832278788।